खुदा रहा आपने आईन की पासदारी और कानून की अमलदारी का हल्फ उठा रखा है और आप बुनियादी हकूक के जामिन है पाकिस्तान की आवाम के, तो बुनियादी हकूक जो है पाकिस्तान के इसी चीज़ के मुतकाजी है कि वो कोई भी हो, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ शरीफ ही हो या मियाँ साथ लिखा हो तो उसको ही सिर्फ अदालतें रिलीफ दे, बल्कि जिसका भी हो, चाहे वो कोई अमीर हो, गरीब हो, ताकतवर हो या वो नादार हो, जो भी हो उसका जो है वो इंसाफ करना आपका काम है। दूसरा केस लगा हुआ था साइफर वाला, साइफर वाले की अपील जो है आप देख रहे हैं कि इतने अरसा से चल रही है, उसमें भी सलमान सफदर साहब अभी खड़े ही हुए हैं तो चीफ साहब कहने लगे कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाना है और मीटिंग है एक, इसलिए जो है आज नहीं हो सकता, तो वो उसको कल पे मुलतवी किया गया है। साइफर वाला केस भी जुल्म है, ना तो साइफर की जो है डॉक्यूमेंट को पेश किया गया, साइफर फॉरेन मिनिस्ट्री में बदस्तूर मौजूद है, उसका मंदरजात और मतन कभी पेश नहीं हुआ। आपने ऑब्जर्वेशन सुन ली, अदालत ने कहा कि भाई जिस मुद्दा पर आप ने एक शख्स को सजा दी है वो मुद्दा अदालत के सामने कभी पेश ही नहीं किया गया, जब पेश ही नहीं किया गया तो किस तरह आप पता कर सकते हैं कि ये कोई दुश्मन को मफाद देने के लिए जो है ये साइफर को मुश्तहर किया गया है, जब साइफर आया ही नहीं अदालत के सामने और यही कहा गया कि ये फौजदारी मुकदमा है, फौजदारी मुकदमे में आपको बिला कमोकाश जो है आपको शहादतें पेश करना पड़ेंगी और अगर आप बुनियादी डॉक्यूमेंट पेश नहीं करते हो तो आर्टिकल 129 जी है कानून शहादत, जिसमें आपके खिलाफ वो इन्फ्रेंस जाएगी और फिर वो केस तो रद्दी के टोकरी में फेंकने के लायक है, लेकिन उसमें भी मोहतरम इमरान खान साहब को सजा भी हुई हुई है और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी सजा हुई हुई है और वो कल पर चला गया है। हम मुतवक्के हैं, हम मुतमन्नी हैं और मुल्तमिस हैं और मुतजस्सिस हैं, खुदा रहा देर ना लगाइएगा क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को जो दो टोक फैसला दिया वो यही दिया कि इमरान खान ना बागी है, ना इमरान खान गद्दार है, ना इमरान खान चोर है, ना इमरान खान ने कोई भी उससे मुफाद उठाया है, इमरान खान ही को लोगों ने अर्दिल अजीज होते हुए उसको मैंडेट दिया है और उसको अवाम की खिदमत करने के हक है और वो अवाम ही के लिए आज जेल में वहाँ सऊबत और कर्म में मुब्तला है। और कल सही कहा बुशरा बीबी ने कि अगर इमरान को कुछ होगा तो ये कौम भी जो है उसको माफ़ नहीं करेगी और फिर कौम जाने और फिर जो उनको नुकसान पहुंचाने वाले हैं फिर वो जाने। सो अदालतों से इसलिए एहतरामन अर्ज है कि खुदा रहा इंसाफ दीजिएगा क्योंकि अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम, और आप ही की तरफ मुल्तमिस भी हैं और बहुत अदब से मुस्तदी हैं कि इंसाफ करें, इंसाफ करें और पाकिस्तान के जो है जमहूरियत को और पाकिस्तान के लोगों को सही हकूक दिलाकर और जमहूरियत का बोलबाला करें।